इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा सौदागर प्रधानमंत्री, जिसने कि वोट आपसे लिया और दलाली किसका करता है, कॉरपोरेट की दलाली के प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारने का समय आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये ऐसी सरकार है जिसने सपने आपके दिखाए, आपके बच्चों की कसमें खाई, इसने तो कसमों का भी अपमान किया है। इसने, आपको याद होगा, नोटबंदी के समय कसम खाई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और कहा था कि मुझे 50 दिन दे दो और 50 दिन में इस देश की तकदीर नहीं बदल जाई तो चौराहा बता देना, मैं आ जाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि रघुनाथपुर के इसी चौराहे पर हमारे किसान भी खड़े हैं, हमारे नौजवान भी खड़े हैं और आपके सवाल भी खड़े हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी का हिम्मत है तो रघुनाथपुर के इस चौराहे पर उतरे और हमारे किसान और नौजवान के आंखों में आंखें डाल करके उस सवाल का जवाब दें। ये कायर प्रधानमंत्री हैं, ये कायर प्रधानमंत्री हैं, ये कायर प्रधानमंत्री हैं। कायर इसलिए बोलते हैं कि जो हिम्मत वाला होता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है वो अपने विपक्ष का सम्मान करता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है वो जनता से बात करता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है वो जनता के सवालों का जवाब देता है। इस देश ने आज़ादी के बाद इकलौता ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जिस प्रधानमंत्री ने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। एक ही पत्रकार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है मोदी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और वो बहुत ही हाई फाई पत्रकार थे, अक्षय कुमार को ही सौभाग्य मिला है मोदी जी का इंटरव्यू करने का। और देश का अहम सवाल पूछा गया कि मोदी जी बताइए कि आम काट के खाते हैं कि आम चूस करके खाते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को सवाल जब पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि आम चूस के खाते हैं कि आम काट के खाते हैं। अरे महाराज, आपको आम खाने की पड़ी है, यहाँ बच्चों के खाने के लाले पड़े हुए हैं। और हमारे देश के निकम्मे कुछ चंद बिकाऊ पत्रकार दिन रात मोदी चालीसा पढ़ने में मसरूफ हैं, व्यस्त हैं। उन्हें जवाब देना होगा आपके सवालों का, उन्हें जवाब देना होगा किसानों के सवालों का, उन्हें जवाब देना होगा नौजवानों के रोजगार के सवालों का, उन्हें जवाब देना होगा हिंदुस्तान के सवालों का। कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है और ये तब तक सड़कों पर रहेगी जब तक इस तानाशाह को सड़क पर नहीं ला दे। इस तानाशाह ने हर चीज की हद कर दी है। संसद में जब ये जमीन को प्रणाम करके अंदर गया, हम सभी लोगों को लगा कि एक महान आत्मा संसद में आज प्रवेश कर रही है, ये तो लोकतंत्र का पुजारी है। लेकिन ये तो वैसा ही पुजारी निकला जैसा पुजारी रावण था। इसने जो पूजा की, रावण से भी बड़ा कोई पुजारी नहीं था, लेकिन आदर्शों को ताक पर रख करके अपने तमाम धार्मिक मूल्यों के उल्टा काम करने वाले को ही रावण कहते हैं। आज इसने जो वादे किए उससे उल्टा काम करने का काम किया। नौजवान से रोजगार के वादे किए, आपको रोजगार नहीं दिए। व्यापारियों से उनकी दुकानदारी की बात की, नोटबंदी लाके दुकानदारी चौपट कर दी। किसानों से आमदनी दुगुनी करने की बात की, किसानी चौपट कर दी। जिन जिन चीजों से इन्होंने वादे किए, हर वादे को तोड़ने का काम किया है। मित्रों, इस बाजार में इस सभा करने का यही मकसद था, इस जमहूरियत को जिंदा करना है,
इस लोकतंत्र को आबाद रखना है। सदियां गुजर गई, हजारों कुर्बानियां देनी पड़ी, लोग फांसी पर चढ़ गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और न जाने कैसे कैसे लोग, अशफाक उल्ला खान, इस देश के कितनी माओं की कोख उजड़ गई, इस देश की कितनी विधवाएं हो गई, कितने लोग इस अरमान और तमन्ना में कि हमारा भारत आएगा, हमारा स्वराज आएगा, कभी किसी की ये तमन्ना नहीं थी कि अडानी का राज आएगा। लेकिन इस सरकार ने आपकी तमन्नाओं का, आपके इच्छाओं का गला घोटने का काम किया है, भगत सिंह के सपनों को कुचलने का काम किया है, सुभाष चंद्र बोस के सपनों को कुचलने का काम किया है, महात्मा गांधी के स्वराज को समाप्त करने का काम किया है। इस सरकार ने हिटलर के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। इस सरकार को अगर उखाड़ सकती हैं तो आप उखाड़ सकते हैं, इस सरकार को हिला सकते हैं तो आपकी ताकत हिला सकती है।